आइए आज हम गीतिका छंद के बारे में जानकारी प्राप्त करें। गीतिका छंद के लक्षणों के बारे में यदि हम जानें तो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं और उन 26 मात्राओं के मध्य 14 है और 12 मात्राओं पर यति होती है और चरण के अंत में लघु गुरु होता है। और यदि उदाहरण देखें तो बहुत ही प्रसिद्ध और सरल सा उदाहरण आप देखें जो स्पष्ट है कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। इन पंक्तियों में आप पहली पंक्ति पर मात्राओं की गणना हम किस प्रकार करें इस पर ध्यान दीजिए। जैसे प्रथम दो शब्द हैं हे प्रभु, हे दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु मात्रा है, प्रभु प्र अ का स्वर है इसलिए एक मात्रा, भो उ का स्वर है इसलिए गुरु है दो मात्रा। आनंद दाता आ में दीर्घ स्वर है दो मात्रा, न जबकि आपको दिखाई पड़ रहा है कि लघु है पर बात का जो वर्ण है वो संयुक्त अक्षर है इसलिए हमने गुरु मात्रा को यहाँ लगाया है और जो कि होना भी चाहिए आपको ज्ञात हो। तो न पर गुरु मात्रा है और फिर द पर एक मात्रा है दाता, आ दा में आ स्वर है, ता में आ स्वर है इसलिए यहाँ जो मात्राओं का विवरण हुआ गुरु गुरु लघु गुरु गुरु आनंद दाता। और उसके बाद में यति है ज्ञान, ज्ञान अपने आप में संयुक्त अक्षर भी है और आ का स्वर है इसलिए दीर्घ मात्रा है, न में लघु मात्रा है। हमको ह में अ का स्वर है, न में अ का स्वर है, को में ओ का स्वर है इसलिए मात्राएं हुई लघु लघु गुरु। दीजिए, दीजिए में द पर गुरु मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है इसलिए गुरु। दीजिए ज पर छोटी ई की मात्रा है यानी कि लघु मात्रा है इसलिए एक वर्ण एक मात्रा है और ए जो है वो दीर्घ वर्ण है दीर्घ स्वर है इसलिए इसमें दो मात्राएं। यदि आप इस पूरी पंक्ति की मात्राओं की गणना करेंगे तो आप देखेंगे कि 26 मात्राएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से नीचे की पंक्ति में यदि आप ध्यान दें तो देखेंगे कि शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो शीघ्र में श पर गुरु स्वर है इसलिए दो मात्राएं हैं और घ्र अ का स्वर निकलता है इसलिए एक मात्रा है। सारे सारे जो वर्ण है इसमें भी दोनों जो स्वर हैं गुरु हैं इसलिए गुरु मात्राएं हैं दोनों में दो दो मात्राएं भी। दुर्गुणों को दीजिए, दुर्गुणों को, दुर्गुणों द पर भले ही लघु स्वर है पर बाद में संयुक्त अक्षर है, र ऊपर है और ग नीचे है और छोटे उ की मात्रा है इसलिए तो भी पूर्व संयुक्त अक्षर से पूर्व जो मात्रा यहाँ होगी वो गुरु होगी इसलिए द पर छोटे उ की मात्रा होते हुए भी लघु स्वर होते हुए भी हमने आपने देखा है कि ये दो मात्रा गुरु लगा गुरु मात्रा लगी हुई है और फिर बाद में गुण पर एक मात्रा है यानी लघु है और ओ की मात्रा अण पर है तो इसलिए इसकी मात्राएं हुई गुरु लघु गुरु। को में ओ का स्वर है इसलिए गुरु है दूर, गुरु मात्रा है द पर और इसलिए
गुरु है, र पर एक मात्रा है हम। हम में आपने देखा कि दोनों अ अ के ध्वनि निकलती है, से में गुरु मात्रा है, एक ही मात्रा है इसलिए गुरु है। कीजिए, कीजिए में भी आपने देखा कि बड़ी एक ही मात्रा है इसलिए गुरु मात्रा है, दो मात्रा है। जप लघु मात्रा है इसलिए एक मात्रा है। ए में गुरु मात्रा है इसलिए दो मात्रा है। अब यदि आप गणना करेंगे तो इसमें कुल 26 मात्राएं हैं। ठीक इसी प्रकार से ऐसे नीचे की पंक्ति आप देखें, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने। लीजिए ल पर गुरु मात्रा है तो इसलिए दो मात्राएं हुई। ज पर लघु मात्रा है इसलिए एक मात्रा हुई। ए गुरु मात्रा है इसलिए दो मात्राएं हुई। हमको ह पर अस्वर है इसलिए एक मात्रा हुई। म पर अस्वर है यानी लघु स्वर है इसलिए एक एक मात्रा हुई। को में ओ स्वर है इसलिए दो मात्रा हुई। शरण, शरण में तीनों वर्णों पर अ की मात्रा है इसलिए तीनों पर लघु 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 हुई। में पर आपने देखा एक का स्वर है, गुरु मात्रा है इसलिए दो मात्रा यानी कि गुरु हुई। हम, हमें भी आपने देखा कि ह म अ अ की ध्वनि निकलती है, स्वर हैं इसलिए एक एक मात्रा है, लघु लघु है। सदाचारी बने, स में अ की ध्वनि निकलती है इसलिए अ में एक मात्रा है। और सदाचारी आ आ और ई की बड़ी की ध्वनि निकलती है इसलिए सदाचारी की मात्रा ही हुई, लघु गुरु गुरु गुरु। इसी तरह से बने, बने में ब पर अ का स्वर निकल रहा है, एक मात्रा हुई और बने में दो मात्राएं हुई। तो इस प्रकार यदि आप मात्राओं की गणना करेंगे तो कुल 26 मात्राएं होंगी। ठीक इसी प्रकार से इससे नीचे की पंक्ति आप देखें, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी, ब्रह्म में भले ही अ की ध्वनि निकलती है पर बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए यहाँ पहले गुरु मात्रा है, फिर लघु मात्रा है। चारी में गुरु गुरु है, आ और ई की मात्रा है तो गुरु हैं। धर्म रक्षक, धर्म रक्षक में भी आप ये देखें कि ध के बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए इसमें गुरु मात्रा है। म में अ की ध्वनि निकलती है इसलिए एक मात्रा है। रक्षक में भी आपने देखा क्षय जो है वो क और षटकोण वाला क्षय जिसे आप कहते हैं, जो मूर्धन्य क्षय है उसकी ध्वनि है, क और क्षय की संयुक्त अक्षर है तो इसलिए र में जो आप देख रहे हैं कि दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु आया है और क्षय में अ की ध्वनि है इसी तरह से लघु लघु आया है। इस तरह से धर्म रक्षक की मात्राएं में गुरु लघु गुरु लघु लघु। फिर से अगर ध्यान दें तो आप देखें कि धर्म में छंद के बारे में पहले ध भले ही स्पष्ट अ की ध्वनि निकलती है पर बाद में संयुक्त अक्षर है इसलिए गुरु है। इसी प्रकार रक्षक में भी अगर आप देखें र के बाद क्षय जो है वो संयुक्त अक्षर है इसलिए इसमें गुरु आया है, दो मात्राएं हुई है। इस प्रकार आप ध्यान दें, मुझे यही उद्देश्य है समझाने का कि मात्राओं की गणना और जो लगाने का आप देखें तो आप समझ लें कि ये इस प्रकार से मात्राएं। वीर, वीर में भी आप देखें तो वह पर दीर्घ स्वर है इसलिए गुरु है। र में अ की ध्वनि है इसलिए व्रतधारी बने। व्रतधारी बने भले ही पहला संयुक्त अक्षर है पर अ की ध्वनि निकल रही है इसलिए लघु लघु है और धारी में दोनों स्वर बड़े बड़े हैं, दीर्घ हैं इसलिए गुरु गुरु है। बने में आपने देखा है कि ब ने में ब में अ स्वर है, ने में दीर्घ स्वर हैं तो इसलिए यदि आप अंतिम इस पंक्ति की गणना करेंगे तो 26 मात्राएं होती है। तो इसलिए आज आपने गीति का छंद जानकर गीति का छंद की जानकारी प्राप्त की है जिसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं, 14 और 12 मात्राओं पर यति हैं और चरण के अंत में लघु गुरु हैं। धन्यवाद।